मोहतरम नाजरीन आदाब, आज़ाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। तेलंगाना रियासती हुकूमत अखिलियतों के तहफ़ में अक्सर नाकाम। जनवर फसादात के जिम्मेदार शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई और मुकामी मुसलमानों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। अदम इकदाम पर सेक्रेटरीट का घेराव करने का रियासती हुकूमत को सख्त अल्फाज में इंतबा। जनवर दौरा हालात का जायजा, मुतासरीन से मुलाकात के मौके पर सदर जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लायका का मीडिया से खिताब। सदर जमीयत उलमा निज़ामबाद हाफिज मोहम्मद लायका ने जमीयत उलमा वफद के हमरा आज आसिफाबाद के जनवर मंडल का दौरा किया, जहां उन्होंने हालिया फिरकावाराना फसादात में मुतासर मुकामी मुसलमानों से मुलाकात के जरिए हालात का जायजा लिया और मुतासरीन से बातचीत की। इस मौके पर सदर जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लायका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुसलमानों से दिली हमदर्दी का इजहार करने वाली कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना रियासती हुकूमत, बिलखसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी की पूरी क्यादत जेनीवर में होने वाली शरंगेजी और एक तरफा मुकामी मुसलमानों के खिलाफ शरपसंदी पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत इख्तदार में आने के बाद से मुसलसिल मुसलमानों के खिलाफ जुल्म व बर्बरियत का जो मुजाहरा किया जा रहा है, इस पर रियासती हुकूमत व चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मानाकेस खामोशी अखिलियतों बिलखसूस मुसलमानों में कांग्रेस पार्टी हुकूमत व चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सोच और कारकर्दगी पर शकूक व शुबात पैदा करती है। आज जमीयत उलमा जिला निज़ामाबाद का एक वफद रियासती जमीयत के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन साहब रहमानी के हुकुम पर आज जैनूर के फसाद वाक़े का दौरा करने के लिए आए हैं और हमारे साथ ये जैनूर के साथी यहाँ पर मौजूद है। जैनूर में जो तीन दिन पहले फसाद हुआ और बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल है जैनूर की, कई ऐसे दुकानात है जो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गए, जिसमें जैनूर के ज़िम्मेदार लोगों ने पूरी फहरिस्त तैयार की है। ये हम रियासती और मरकज़ी जमीयत के पास पहुंचाएंगे। उसके अंदर तफसील कुछ इस तरह की है के दुकानात जो जलाए गए 95 दुकानात जलाए गए और मकानात 11 मकानात को आग लगाई गई और गाड़ियां जो जले टू व्हीलर फोर व्हीलर 41 गाड़ियां जलाई गई और ये जो हमला किया गया मुकम्मल तौर पर मंसूबाबंद तरीक़े से और पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। मकामी लोगों ने बताया कि एक दिन पहले डीएसपी साहब ने भी कुछ इस तरह का इशारा दिया था और कुछ लोगों के पास इस तरह की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है कि डीएसपी साहब ने यह कहा था कि 4-5 दिन में वहां के मुसलमानों का सफाया हो जाएगा। तो अभी हुकूमत और पुलिस के आला अहदेदारों ने डीएसपी साहब का सिर्फ ट्रांसफ़र किया है। ये ट्रांसफ़र इस मसले का हल नहीं है, बल्कि हमारा मुतालबा ये है कि उनको खाती शुमार किया जाए और जो कुछ नुकसान हुआ है, जितने पुलिस अफसरान वहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में मस्जिद की बेहरमती हुई, कुरान करीम के नुस्खे फेंके गए, जलाए गए और मस्जिद में जूतों समेत दाखिल हुआ गया। एक नहीं 4 मसाजिद है जिनके साथ बेहरमती की गई और 4 मसाजिद में जितने लोग थे सबके साथ बहुत ही बुरा रवैया किया गया है। तो इसके ऊपर सिर्फ तबादला नहीं बल्कि डीएसपी साहब और जितने पुलिस अफसरान वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त, उनकी तनख्वाह से इनका मुआवजा लिया जाए ताकि आइंदा कोई पुलिस अफसर इस तरह की अपनी मौजूदगी में ये हरकत ना करे। मेदक में वाकया हुआ तो सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया गया, ट्रांसफ़र इस मसले का हल नहीं है, तबादला मसले का हल नहीं है और तबादले से इनकी सज़ा नहीं होगी। सिर्फ तबादला नहीं बल्कि जो ऑफिसर वहाँ पर मौजूद है उनकी आंखों के सामने हुआ और जब उनको खबर थी कि एक दो अफराद नहीं 2 से 2500 लोगों का हुजूम आकर
जब इस तरह दुकानों को जलाया, क्या उनको जब आने तक की खबर नहीं थी? आज पूरे जयनूर की नाकाबंदी की गई है और चारों तरफ से पुलिस का हिसार है। अगर आप यही काम पहले कर लेते तो ये शायद आज ये बुरा दिन देखना नहीं पड़ता था। तो हमारा मुतालिबा ये है कि यहाँ के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के रेवंत रेड्डी साहब, आपकी हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है, 18 से ज़ायद फसाद हुए और मुसलमानों के आपने अकलियत दोस्त होने का दावा किया है। क्या हम लोग ये बाज़ाब्ता आपको आगाह करना चाह रहे हैं कि आप फौरन इन खातियों के ऊपर अगर गिरफ्त नहीं करेंगे, जो मुजरिम है उसके ऊपर अगर उसके उनको कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया और यहाँ के नौजवान और मुसलमान जो आज सहमे हुए हैं उसको पूरी हालत अगर बहाल नहीं की गई, और तो हम बहुत ही अनकरीब सेक्रेटरीट के सामने, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के सामने धरना देंगे, एहतजाज करेंगे कि आप या तो रियासत में अमन कायम करो या नहीं तो आप अपनी, अगर इख्तदार एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास कंट्रोल नहीं है तो इस्तीफा दे दो।